हाउस में आप सभी का स्वागत है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आईबेल की तरफ से कॉर्डलेस ड्राइवर ड्रिल। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और जानते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो कुछ इस तरह से है इसका ये बॉक्स और अभी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें आपको मिलता है एक चार्जर, ड्रिल मशीन और एलिंग की और कुछ टूल्स। इसके साथ हमें मिलता है स्क्रू ड्राइवर बिट्स और ड्रिलिंग बिट, एक रोटेशन स्क्रू ड्राइवर बिट। ड्रिल मशीन काफ़ी हैंडी है, चलाने में बहुत ही आसान है और इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं और ये बहुत ही पावरफुल है। और इसमें कुछ परसेंट दिखाने के लिए कुछ एलईडी लाइट्स हैं और इसके सामने की तरफ भी एलईडी लाइट है, आप इसको अंधेरे में भी अच्छे से चला सकते हैं। और कुछ इस तरह से आप इस बिट को इसमें सेट कर सकते हैं, अगर आप क्लॉक बाइज घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा और ये रेडी है। और आप इस तरह से भी आप इसको खोल करके इसको लगा सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, इस तरह से ये टाइट हो जाता है पूरी तरह से। और इसके अंदर है ये बैटरी जो कि काफ़ी इजीली आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसी तरह से आप इसको फिट भी कर सकते हैं, काफ़ी हैंडी है। और इसमें आप मेटल में छेद कर सकते हैं, इसमें मैं लोहे की रॉड में छेद कर रहा हूँ, कितनी आसानी से छेद ये कर दे रहा है, बड़ी ही आसानी से मक्खन की तरह, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। और अभी मैं इसमें बोर्ड में छेद करके दिखाता हूँ, बड़े ही आसानी से ये छेद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बड़ी ही आसानी से आप इसको चला सकते हैं। अब मैं इस ईंट में छेद कर रहा हूँ, कितनी आसानी से ये छेद कर देता है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको, बड़ी ही आसानी से ये छेद कर देता है, कितनी ही आसानी से छेद कर दिया है इसने। आप इसको स्क्रू ड्राइवर की तरह भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, आप आसानी से पेच को कस भी सकते हैं और आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर आप बाहर निकालेंगे तो इसको एंटी क्लॉज पर सेट कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसको बाहर निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से और ये पेच बाहर की तरफ आ गया। तो दोस्तों इसका सेफ्टी और यूज़ करने का तरीका भी देख लेते हैं। तो यह है कुछ इस तरह से हमारी ड्रिल मशीन, इसमें कुछ मोड्स दी हुई हैं कुछ इस तरह से कुछ ये मोड है। अगर आपको स्क्रू कसना है, अगर इसको छोटा है या इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है तो एक या दो तीन पाँच पर के इसको रख करके इसको आप कसिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इसका टॉर्क ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है इसकी, तो हो सकता है आपका स्क्रू टूट जाए और जिस जगह कोई भी आप स्क्रू कस रहे हैं तो वो भी जगह ख़राब हो जाए और स्क्रू भी ठीक से ना कस पाए, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे कम टॉर्क पर ही रखें ताकि स्क्रू भी ख़राब ना हो और हमारा काम भी हो जाए। और इसमें एक ऊपर की तरफ ये बटन है, तो इस बटन को अगर आपको आगे प्रेस करना है तो आपका ये जो है स्क्रू कसने में आसानी होगी और आसानी से स्क्रू कसा जाएगा। अगर आपको कहीं भी छेद करना है, कंक्रीट हो गया या मेटल हो गया, तो उसको हैमर मोड की तरफ कर देना है तो आपका ये जो है इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा और हैमर मोड में चला जाएगा तो इसकी पावर भी बढ़ जाएगी। तो इसमें ये है इसका पावर बटन। अगर आप लेफ्ट से राइट साइड की तरफ प्रेस करते हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो की तरफ प्रेस करना है तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा कुछ इस तरह से। मैंने उल्टा प्रेस किया है राइट साइड की तरफ तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा, अगर इसको बीच में कर देंगे तो ये लॉक हो। और ये बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर ही रहना चाहिए क्योंकि अगर बच्चों ने इसको चला दिया तो हो सकता है वो इंजर्ड हो जाए। और ये है इसका ये बटन, इसको आप नॉर्मल मोड में कर देंगे और इसको आप जिस भी तरह से आप प्रेस करेंगे उसी हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर धीरे से आप प्रेस करेंगे तो धीरे ही स्पीड रहेगी और इसको आप तेज़ प्रेस कर देंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी।
अगर हैमर मोड में करेंगे तो इसका टॉर्क बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है इस तरह से। तो हमें इसको नॉर्मल मोड में ही रखना है अभी। मैं इसको और इसके साथ कुछ एलिंग की भी दी गई हैं, और ये है, ये 10 बिट्स हैं स्क्रू ड्राइवर के लिए, बिट्स और दी गई हैं इसको आप यूज करने के लिए। और इसके साथ ही मेटल में छेद करने के लिए कुछ बिट हैं, और ये बोर्ड में छेद करने के लिए हैं। अगर आपको कंक्रीट में छेद करना है तो इसके लिए आपको बिट अलग से लेना पड़ेगा, वो इसके साथ में नहीं आता है। और ये है हमारी गोरिल्ला बिट, इसकी मदद से आप जहाँ भी आपका हाथ नहीं पहुँचता है बोर्ड के अंदर तो आप वहाँ भी इसको लगा करके आप इसकी मदद से छेद कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा टाइट हो गया, इसके अंदर आपको बिट का होल्डर लगा दीजिएगा या फिर डायरेक्ट इस बिट को भी लगा सकते हैं। होल्डर का आप यूज़ कर सकते हैं जिस जगह भी, जहाँ भी आपको छोटी जगह पड़ रही है वहाँ पे इस होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझको कुछ इस तरह से बिट को आपको लगा देना, और ये है हमारा स्क्रू को आप प्रेस, स्क्रू को आप इस तरह से जहाँ भी आपका हाथ नहीं पड़े उस तरह से आप पकड़ कर सकते हैं। और एक गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा इसके साथ। अब इसमें मैं खोल देता हूँ। अब जिस तरह से, जैसे कि आपने कहीं भी छेद किया है तो इसको हाथ से रोकने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने इसको हाथ से रोकने की कोशिश करी तो आपका हाथ इंजर्ड हो जाएगा बिल्कुल ही। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, सावधानी से ही यूज़ करें इसका। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिए और शेयर तो करिएगा ही। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अभी बंद करता हूँ।